केरल के कोचिकोड में निपा वायरस का छठा केस आने के बाद सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर को 24 सितंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इस संक्रमण के बढ़ने के साथ अन्य राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने निपा वायरस से संक्रमितों के कॉन्टैक्ट में आने वाले लगभग 1,800 लोगों की पहचान की है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि इनमें से 327 स्वास्थ्य कर्मी हैं, जबकि कोचिकोड जिले के बाहर के संक्रमितों के संपर्क में 29 लोग आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोचिकोड में निपा वायरस से 30 अगस्त को पहली और 11 सितंबर को दूसरी मौत हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग व सरकार के भी हाथ पैर फूल चुके हैं। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के डीजी राजीव बहल का कहना है कि निपा वायरस से मृत्यु दर 40-70% है। यह कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर की तुलना में काफी ज्यादा है। कोरोना से मृत्यु दर 2-3% थी, जबकि ये वायरस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बढ़ते मामलों को देखते हुए आमजन से सावधानी बरतने की अपील की है। केरल में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने और चमगादड़ों के संपर्क में आने वाले कच्चे भोजन से दूर रहने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यदि आपको बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में परेशानी, खांसी और गला खराब हो, दस्त लगे, उल्टी आए, मसल्स में दर्द हो या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो ये लक्षण निपा वायरस के हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों की दिखाई देने पर तुरंत अपने ब्लड की जांच करवाएं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये वायरस सीधा आपके दिमाग पे अटैक करता है। इसके साथ ही यदि ये आपकी बॉडी में पाया जाता है तो आपको कंफ्यूजन, बोलने में परेशानी, दौरे पड़ना, बेहोशी आना, गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। WHO का कहना है कि इस वायरस को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। WHO का कहना है कि 1968 में मलेशिया के सुंगई निपा गांव में पहली बार ये वायरस पाया गया था, तभी से इसका नाम निपा रखा गया है। मलेशिया मामले की रिपोर्ट के मुताबिक पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े से भी इन्फेक्शन फैलने के मामले सामने आए थे। मलेशिया में निपा सामने आने के बाद उसी साल इस वायरस का पता सिंगापुर में भी चला था। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में भी इस वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए थे। ऐसे में कोरोना के बाद निपाह वायरस से लोगों में दहशत फैली हुई है, लेकिन बेशक ये वायरस केरल में फैला हो, लेकिन इस वायरस से बचने के लिए हरियाणा सहित पूरे देश को सावधानी बरतनी होगी। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद आप लोगों को जागरूक करना है। ऐसे में यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो ये वायरस आप पर भी भारी पड़ सकता है। वहीं इस वायरस के अटैक को लेकर हमारे दर्शक अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता आ सके।